मानव की होगी तभी सुरक्षा, वन जीवन की जब करोगे रक्षा। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पौधों में जड़ सड़न रोग, यानी कि रूट रॉट के कारण, रूट रॉट डिजीजेस कॉजेज इन प्लांट्स। क्या आपके ग्रो बैग्स में लगे पौधों की ग्रोथ रुक गई है या उनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं? इन सभी समस्याओं का कारण पौधों में होने वाला जड़ सड़न रोग हो सकता है। जड़ सड़न रोग को रूट रॉट या जड़ गलन रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा रोग है जिसको पहचानना थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको इस रोग के बारे में कई जानकारियों के बारे में बताने जा रही हूँ। अतः इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जड़ सड़न रोग क्या है? व्हाट इज रूट रॉट डिजीजेस इन प्लांट्स? पौधों में पानी की ओवर वाटरिंग हो जाने से पॉटिंग मिक्सचर अधिक गीली और कंप्रेस्ड हो जाती है, जिसके कारण पॉटिंग मिक्सचर में उपस्थित एयर होल्स बंद हो जाते हैं। पौधों की जड़ों को स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन पॉटिंग मिक्सचर में उपस्थित एयर विंड क्लोज्ड होने से जड़ें पॉटिंग मिक्सचर से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण जड़ें ग्रो बैग्स में सड़ने लगती हैं। इस रोग में जड़ों के नष्ट होने के कारण पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसे ही जड़ सड़न या जड़ गलन रोग कहते हैं। पौधों में जड़ गलन रोग के लक्षण, रूट रॉट डिजीजेस सिम्टम्स इन प्लांट्स। जड़ गलन रोग का समय पर पता लगाना कठिन होता है, लेकिन ये पॉटिंग मिक्सचर के अंदर पौधे की जड़ों में होता है। इस रोग में जब जड़ें अधिक प्रभावित हो जाती हैं, तब पौधों में पोषक तत्वों की कमी हो जाने से कुछ लक्षण नजर आते हैं, जिनके बारे में आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं पौधों में जड़ सड़न रोग के लक्षणों के बारे में। सबसे पहले, पौधे की ग्रोथ रुक जाना, पत्तियों का पीला पड़ना, पौधे की पत्तियों का मुरझाना, जड़ों का गलना तथा पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देना। पौधों की ग्रोथ रुक जाना, जड़ सड़न रोग हो जाने के कारण पौधे की जड़ें पर्याप्त मात्रा में पॉटिंग मिक्सचर से ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती है, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है और या रुक जाती है। पौधों की पत्तियों का पीला होना, जड़ सड़न रोग के सामान्य लक्षणों में पौधे की पत्तियों का आकार छोटा होना और उनका पीला पड़ना शामिल है। जब पॉटिंग मिक्सचर में पानी की अधिकता हो जाती है तो उसके कारण जड़ें सड़ने लगती हैं। रूट डैमेज होने से पौधों को पोषक तत्व और पानी प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे क्लोरोफिल का प्रोडक्शन कम हो जाता है और फलस्वरूप पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पत्तियों का मुरझाना, जब सड़ें सड़ने लगती हैं तो ये पॉटिंग मिक्सचर से महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता खो देती हैं। अतः पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधे की पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और कई बार गिरने भी लगती हैं। इसे स्टंटिंग कहते हैं। पौधे की जड़ों का ब्राउन या काला होना, जब पौधे में ऊपर बताए गए लक्षण नजर आए तब पौधे लगे ग्रो बैग्स की ऊपरी पॉटिंग मिक्सचर को हटाकर जड़ों की जांच करें। पौधों में जड़ सड़न रोग को नरम काली या ब्राउन जड़ों से पहचाना जा सकता है, जबकि स्वस्थ पौधे की जड़ें मजबूत और सफ़ेद होती हैं। पौधों में जड़ सड़न रोग होने के कारण, कॉजेज ऑफ रूट रॉट डिजीजेज इन प्लांट्स। प्लांट्स में जड़ सड़न रोग यानी कि रूट रॉट डिजीजेज होने के सबसे मुख्य कारण ओवर वाटरिंग और पॉटिंग मिक्सचर की पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना है। लेकिन इसके अलावा भी जड़ सड़न रोग होने के अन्य कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं पौधों में होने वाले रूट रॉट या जड़ गलन रोग के मुख्य कारण के बारे में। पानी की अधिकता यानी कि ओवर वाटरिंग, जड़ों में फंगस लगना, अधिक ठंडा तापमान होना, पौधों में ज़रूरत से ज़्यादा खाद डालना। पानी की अधिकता, पौधों की जड़ों को स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन ओवर वाटरिंग करने से पौधों की पॉटिंग मिक्सचर अधिक गीली हो जाती है, जिसके कारण पौधों की जड़ें पॉटिंग मिक्सचर से
ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। फलस्वरूप जड़ें सड़ने या गलने लगती है। पौधों में ओवर वाटरिंग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लगातार भारी बारिश में रखे रहने पर पौधे लगे ग्रो बैग्स की पॉटिंग मिक्सर में पानी लंबे समय तक भरा रहता है, जिसके कारण पॉटिंग मिक्सर लंबे समय तक गीली और नम बनी रहती है। यदि ग्रो बैग्स में ड्रेनेज होल नहीं है तो पानी को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती और पानी पौधों के चारों ओर इकट्ठा होने के कारण जड़ें सड़ने लगती हैं। पुअर ड्रेनेज वाली पॉटिंग मिक्सर में पौधों को लगाने से पौधे में पानी की अधिकता होने लगती है और जो कि जड़ सड़न रोग का मुख्य कारण है। फंगस के कारण, गीली पॉटिंग मिक्सर में फंगस लगने का खतरा अधिक रहता है और फंगस के कारण भी पौधों में जड़ सड़न रोग हो सकता है। पॉटिंग मिक्सर में पहले से फंगस मौजूद होती है, लेकिन जब पॉटिंग मिक्सर अधिक गीली हो जाती है तो पाइथियम, पाइथोफोरा, राइजोक्टोनिया जैसे फंगस नम पॉटिंग मिक्सर में फंगस लगने का कारण बनते हैं, जिससे पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं। अधिक ठंड के कारण, सर्दी के दौरान ज़्यादा ठंडे मौसम के कारण पौधों की जड़ों में जड़ सड़न रोग या रूट रॉट हो सकता है। जब ठंड के सीजन में पौधों को नमी वाली और छायादार जगह पर रखा जाता है तब पौधों को इस रोग के होने का खतरा अधिक रहता है। पौधों में ओवर फर्टिलाइजेशन, पौधों में आवश्यकता से अधिक मैन्यूर डालने से जड़ें जलने लगती हैं और उनका रंग ब्राउन या काला हो जाता है, अतः पौधों में ओवर फर्टिलाइजेशन भी जड़ सड़न रोग का मुख्य कारण है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना होगा कि पौधों में जड़ सड़न रोग यानी कि रूट रॉट के कारण क्या क्या हैं। पौधों को लगाने के लिए वेल ड्रेनेज और उचित वायु संचार वाली ढीली पॉटिंग मिक्सर जैसे कि उमहा ग्रो मीडिया का उपयोग करने से पानी ग्रो बैग्स में भरा नहीं रह पाता बल्कि तुरंत बाहर निकल जाता है, अतः पौधों में ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं हो पाती है और जड़ें सड़ने से बच जाती है। उमहा ग्रो मीडिया 100% ऑर्गेनिक मिक्सर है। आप इसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैं आपके लिए इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियोज़ लाती रहूँगी। अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ हमारी इस वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, आप हमारे चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, एंजॉय गार्डनिंग एंड कीप कनेक्टेड विद नेचर। बाय बाय एंड सी यू सून।